हेलो नमस्कार जैन दोस्तों, माय नेम इज रुपेश और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आए हैं किसान भाई के पास जो कि भेड़ों का पालन करते हैं, और भेड़ों को जो है सर्दी के अंदर या फिर बारिश के मौसम में जो सर्दी हो जाती है या फिर उसको कैसे बचाव किया जाता है उसके लिए कुछ दवाई दे रहे हैं। तो हम देखते हैं वो कैसे देते हैं दवाई और कौन सी दवाई देते हैं जिससे कि इनको सर्दी वगैरह या फिर बारिश में भीगने से ये बीमार ना हो। और मोस्टली जो ये दवाई है वो है चारा काटने की। मतलब अभी सर्दी के मौसम में क्या है कि बकरी ये भेड़ कोई गलत चारा खा लेती है या फिर जो बाहर चलती है मिट्टी वगैरह खा लेती है, तो उसके लिए चारा को जो पचाने की जो क्रिया होती है उसके लिए दवाई दी जा रही है। तो मैं बताता हूँ पहले तो दवाई आपको, ये देखिए ये पड़ी अभी, फिर भी एक कंपनी की है। कौन सी है ये? आयुर्वेदिक ओरियल सॉल्यूशन बीपी वेट 0.08% WB हाईटेक। हाईटेक बोलते ये अपन बकरियों को भी दे सकते हैं, भेड़ों को भी दे सकते हैं। मोस्टली ये दवाई होती है चारा काटने के लिए। अगर कोई बकरी जैसे चारा खा रही है और उसको चारा पस नहीं रहा है तो उसके लिए ये दवाई दी जाती है। तो देख सकते हैं आप, मैं दिखाता हूँ पूरा वीडियो आपको। ये अभी इन सभी को दवाई दे चुके हैं और बाकी जो भेड़े हैं अंदर उनको दवाई देना बाकी है। तो कैसे दी जाती है दवाई ये भी आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, और कैसे दी जाती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए आप हमारे साथ। और आपके भी अगर कोई जानवर चारा खा रहा है और उसको चारा पस नहीं रहा पेट के अंदर तो ये दवाई का आप यूज कर सकते हैं जिससे कि थोड़े हेल्थ के अंदर उनको अच्छा ग्रोथ हो। मतलब खाते हैं तो पछता नहीं हो, लगता नहीं शरीर के अंदर खाना। देख सकते हो इस तरीके से आप ये दवाई दे सकते हो इनको, मुंह में हाथ डाल के इंजेक्शन डाल के ये, और ये अंदर आराम से दे सकते हैं। ये फिक्स होता है 5 ml देने का एक भेड़ को या फिर एक बकरी को। सर्दी के मौसम में भी दे सकते हैं आप, गर्मी के मौसम में भी दे सकते हैं। मोस्टली तो बारिश के मौसम में इसके लिए बहुत बढ़िया काम किया है। 5 ml के हिसाब से आपको देना है, 10-10 ml देनी है। और छोटे बच्चों को 5 ml दे सकते हैं आप, और बड़े अगर 1 साल से बाहर का हो तो उसके लिए 10 ml दे सकते हैं। 25 25 25। चलिए मैं एक बार वीडियो बता देता हूँ फिर भेड़ का। जैसे कि अभी एक मेंढा है बड़ा, एक ऐसे मेंढे को आप ब्रीडिंग के लिए भी यूज में कर सकते हैं। मोस्टली जो भेड़े होती है वो कटिंग के लिए काम आती है। तो अगर किसी भाई को चाहिए तो मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकता है, मैं आपको स्क्रीन पर नंबर दे दूंगा। और एक बार अपने जो फार्म का है वो एड्रेस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अपने जो फार्म का एड्रेस है वो राजस्थान के अजमेर जिले में है, अजमेर से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से और बस स्टेशन से पुष्कर रोड पर। तो आप जहाँ कैसे भी हो ऑल ओवर इंडिया के ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। आपको कटिंग का माल चाहिए, फार्मिंग का माल चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको बेस्ट क्वालिटी और रिजनेबल प्राइस के अंदर माल उपलब्ध करा दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छा लगा है तो एक लाइक करके जाना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।